दुनिया में लोग आते हैं, चले जाते हैं, कुछ विस्मरण के अनंत सागर में खो जाते हैं, कुछ लोग मरकर भी अमर हो जाते हैं अपने व्यक्तित्व और कृतित्व की वजह से। उन्हीं में से एक थे बिहार विधानसभा के पूर्व MLC, प्रख्यात शिक्षाविद और औरंगाबाद की अमिट धरोहर डॉक्टर शंकर दयाल सिंह जी, जिनकी आज 10वीं पुण्यतिथि है और इसे लेकर औरंगाबाद में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर शंकर दयाल सिंह जी के सबसे छोटे पुत्र अमिताभ रंजन जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सहयोग में। धन्यवाद। आज आपके पिताजी की 10वीं पुण्यतिथि है। शहर के, जिले के, प्रदेश के तमाम प्रबुद्ध लोग, सम्मानित लोगों ने आज यहाँ शिरकत किया, कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा। और हम लोग इस कार्यक्रम को लगातार मनाते आ रहे हैं और हम लोगों का प्रयास है कि उनका जो संदेश लोगों के बीच जाए, जो नई पीढ़ी है जो आज कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों से विमुख है, वो अपने दायित्वों को नहीं समझ पाते हैं, उनको समझाने के लिए कि आप अगर डिसिप्लिन्ड वे में रहते हैं, शिक्षण का काज करते हैं, पढ़ने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप शंकर दयाल बाबू बन सकते हैं। आप खुद भी एक शिक्षक हैं, आप प्रभारी हैं एक स्कूल के, आपके पिताजी भी प्रख्यात शिक्षाविद रहे हैं, इवन इस स्कूल में शिक्षक भी रहे हैं, इस स्कूल के प्रधानाध्यापक भी रहे हैं, MLC भी बने शिक्षा क्षेत्र से ही। शिक्षा की गरिमा को, शिक्षा के महत्व को आप बेहतर तरीके से जान पा रहे होंगे। अभी का जो माहौल है, शिक्षा का जो भी माहौल है प्रदेश में, क्या ऐसा लगता है कि ये माहौल इस लायक है कि अब कोई शंकर दयाल सिंह जी भी बन सकता है? बिल्कुल। अगर वो अनुशासित तरीके से अपना काम करता है और समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझता है तो निश्चित वो बन सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। एक नहीं, कई शंकर दयाल बाबू का इस समाज में निर्माण हो सकता है। नहीं, जहाँ तक शंकर दयाल सिंह जी को मैंने जाना है, शंकर दयाल सिंह जी जमीन से उठे हुए एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने समाज के हर पहलू को बहुत करीब से देखा है, उन्हें जाना है, महसूस किया है और उसके हिसाब से व्यवहार किया है, अपना चरित्र रखा है और जीवन पर्यंत वो ऐसे ही रहे हैं। अभी का जो माहौल है, उस माहौल में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास उतना त्याग, तपस्या और बलिदान की क्षमता है। इसलिए ये सवाल प्रासंगिक हो जाता है कि शंकर दयाल सिंह जी फिर बन पाएंगे कोई? बिल्कुल बन सकते हैं। मैं इसको बार बार दोहराता हूँ कि करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अगर शंकर दयाल बाबू इस धरती पर आए तो इसमें कोई शक नहीं कि उसके बाद भी उनके जैसा या उनसे अच्छा जरूर हो सकता है। अनुसरण करना होगा, इनको आदर्श मानना होगा, इनके पदचिन्हों पर चलना होगा, तब जाकर के कहीं ना कहीं इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और फिर से एक बार शंकर दयाल बाबू का जन्म औरंगाबाद में, बिहार में हो सकेगा। तो ये थे अमिताभ रंजन जी, जो शंकर दयाल सिंह जी के सबसे छोटे पुत्र हैं। पेशे से ये भी शिक्षक हैं और इन्होंने जैसा कि बताया कि यह असंभव नहीं कि लोग अब शंकर दयाल सिंह नहीं बन सकते हैं, बशर्ते उन्हें अनुशासित रहना होगा, अपने कर्तव्य को समझना होगा और किसी न किसी को आदर्श मानकर उसके पदचिन्हों पर चलना होगा। नमस्कार। Thank you.
कैसा अनूठा अवसर, एक ऐसा अवसर जो औरंगाबाद के सारे प्रतिष्ठित लोगों के दिल में उमंग भी श्रद्धा भी स्नेह। कई महत्वपूर्ण ऐसे अवसरों का यहाँ जिक्र किया गया, राजनीति में कहाँ कहाँ उनको महत्व मिला। राजनीतिक जीवन में विधान परिषद का सदस्य बनना उनका सर्वोच्च पद नहीं था। राजनीति विडंबनाओं का खेल होता है। विजय बाबू, हमको बुलाया गया मुख्यमंत्री आवास पर, मनीष बाबू को जानकारी होगी, थोड़ा हम तो बोल रहे हैं भावुक हो गए हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था। वहाँ बगल के कमरा में सुनील यादव जी बालू के, जो पार्टी के उम्मीदवार भी रहे, और आरसीपी सिंह सर, दोनों बैठे हुए थे। डायरेक्ट मुख्यमंत्री के आवास में बुलाया गया। राजनीति की स्थिति, दो मिनट समय देगा विजय बाबू, हम उनकी महानता की अपना वक्तव्य ले जाना चाहता हूँ। अकेले मुख्यमंत्री जी कमरा में बैठे थे। विष्णुदाव शंकर दयाल बाबू से हमको अब बात कराइए। अब विजय बाबू कल्पना करिए, बिहार का मुख्यमंत्री शंकर दयाल बाबू से बात करने के लिए आतुर था। ये राजनीति का मामूली विषय नहीं है। तो हम तो इस मंच से, इस पुण्यतिथि पर एक ही बात का आग्रह करेंगे, मनीष बाबू, आप प्रतिभा के धनी शिक्षक हैं, अच्छा संचालन करते हैं। शंकर दयाल बाबू के पद चिन्हों पर चलकर सबसे बड़ी उनकी आत्मा की शांति होगी। अंग्रेजी में एक कहावत है, इट टेक इट टैलेंट ने भर भी मर्डर, प्रतिभा की हत्या नहीं होती है। उनको सादर नमन करता हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रिंसिपल साहब, विजय बाबू, विश्वनाथ बाबू, उपस्थित सभी हमारे अभिभावक और मेरे सब के सब शुभचिंतक, जैसे अभी विश्वनाथ बाबू ने बातें कही, तो मैं भी यही कहूँगा कि शंकर दयाल बाबू के साथ मेरा इतना घना संबंध था, और चूंकि उम्र में तो डिफरेंस था ही, और प्रतिदिन उनसे हमको मिलना था, क्योंकि उनके गुप्तचर विभाग के हम संवाहक थे, और कहाँ चाय दुकान में, कहाँ पान दुकान में, कहाँ क्या पक्ष में विपक्ष में बात हो रही है, पदाधिकारियों के यहाँ क्या बात हो रही है, रात को 9:30-10 बजे जाकर वहाँ बता देना है, कोई जानता भी नहीं था कि वो आया है, और फिर आके चले आ। तो ये स्थिति थी उनके, सब मेरी बहाली औरंगाबाद हुई थी, कमीशन से सब हो गया, लेकिन कहीं भी जा सकते थे। तो इस शख्सियत को मैं पुनः नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ कि आपने उनके कीर्ति के अनुरूप समाज में उन्होंने जो अपने प्रतिभा और परिश्रम से और अपने ज्ञान से जो स्थान बनाया है, उसके अनुरूप आज संस्मरण करने का सामाजिक स्तर पर आप लोगों ने जो यह कार्यक्रम आयोजित किया है, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। गुरुदेव की स्मृति को नमन करता हूं, और आप सभी जो भी लोग यहाँ विशिष्ट लोग बैठे हैं, सबके सबका अभिवादन करता हूं। सबसे पहले तो मैं दीपक जी, मनीष जी, ऋषु जी और सब लोगों को बधाई धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरे गुरुदेव का स्मारक बना दिया है। यह हमारा काम था, आप लोगों ने पहल की, इसलिए आप पूरे परिवार के प्रति मैं आभारी हूं, व्यक्तिगत तौर पर आभारी हूं। गुरुदेव से मेरा संपर्क तब था जब मैंने ठीक से होश भी नहीं संभाला था। मामला कुछ ऐसा था कि आपके परिवार में किसी की हत्या हो गई थी, और मेरे पापा वकील हुआ करते थे, तो आना जाना होता था। जब मेरी पढ़ाई, मैंने 8वीं कक्षा निजी स्कूल से पास कर ली, तो हुआ कि आगे एडमिशन कहाँ कराया जाए, क्योंकि जो गेट स्कूल था उसकी छवि इतनी खराब थी कि वहां सब होता था, पढ़ाई नहीं होती थी। शिक्षक भी शराब पी के आते थे, छात्र 2 बोतल पी के आते थे, शिक्षक डंडा लेके आते थे, छात्र रिवॉल्वर और चाकू लेके आते थे। ये माहौल था गेट स्कूल का, पुराने लोग जानते होंगे। तो हुआ कि हमारे बारे में किसको भेजा कहाँ जाए, कहीं दिल्ली भेजने की बात चल रही थी, कहीं जयपुर भेजने की बात चल रही थी। तो आदरणीय गुरुदेव पहुंचे, कहे कि अब हेडमास्टर के चार्ज हम संभाल लिए हैं, इनको गेटी स्कूल में एडमिशन कराइए। और उस दौर को मैंने देखा है,
कि जब ठीक 10 बजे दरवाजा बंद हो जाता था और चाहे कोई भी वीआईपी हो, किसी की औलाद हो, हिम्मत नहीं थी कि एक शब्द कुछ बोल सके, शिक्षकों की भी औकात नहीं थी कि एक शब्द कुछ अनुशासनहीनता कर सके, छात्रों की तो बात छोड़ दीजिए। और नतीजा ये हुआ कि बिहार बोर्ड का जब एग्जाम का रिजल्ट निकलता था तो लगातार कई वर्षों तक टॉप 10 में गेट स्कूल के छात्र रहा करते थे। वो दौर हमने जिया है, हमने देखा है।